हेलो दोस्तों, कल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाने वाला है। कल से 7 तारीख से 11 तारीख के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। ये खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। और तो कल इंडिया की तरफ से कौन 11 खेलेगा, वो 11 लेके एक्सपेक्टेड 11 लेके आया हो, तो उसमें सबसे पहले ओपन करते हुए दिखेंगे। ये जो मैं आपके लिए 11 बता रहा हूँ, ये सिक्वेंस वाइज है, जो जैसा ऑर्डर है उसी हिसाब से रहेगा। और ये रोहित शर्मा आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। इनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड रहा है, 11 मैच के 20 इनिंग में 650 रन बनाए हैं, 120 रन का इनका हाइएस्ट है, 1 शतक लगा चुके हैं, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, 34.24 का एवरेज है, जो कि बहुत अच्छा खासा एवरेज है। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कल इनसे एक और अच्छी पारी की उम्मीद होगी कि एक और शतक यहाँ पे रोहित शर्मा लगाए। वही इनके साथ ही होंगे शुभमन गिल, और वहीं इनके साथ ही होंगे सुमन गिल जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर रिकॉर्ड की बात करें तो ये 5 मैच खेले, 413 रन, 128 रन इनका हाइएस्ट रहा है, 1 शतक लगा चुके हैं, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, और एवरेज वो है इनका 51.62 का है। तो ये खतरनाक हो सके, जिस तरीके का इनका फॉर्म चल रहा है वो लाजवाब फॉर्म है। कल एक और इनिंग की जरूरत होगी जो कि इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उठाने का मौका दे सकती है। वही फर्स्ट डाउन की बात करते हैं, वहाँ पे आपको चेतेश्वर पुजारा आपको फर्स्ट डाउन दिखेंगे। और इनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा इनिंग रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट गावा का इनिंग कौन भूल सकता है, चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने वहाँ पे अपना खून पसीना बोलते ना हर चीज इन्होंने दिया था टीम के लिए। तो इनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड रहा है 24 मैच 233 रन हाइएस्ट जो है, 204 रन हाइएस्ट है, एवरेज 50.82 का, 50.82 का इनका एवरेज है, 5 शतक लगा चुके हैं, 11 अर्धशतक लगा चुके हैं। इनका जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो लाजवाब है, काबिले तारीफ है। और इनसे उम्मीद है कल एक और पारी, ऐसी पारी खेले जो कि टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब उठाने में मदद करे। और चेतेश्वर पुजारा इसमें अपनी स्पेशलिटी रखते हैं, इसमें इनको ख्याति प्राप्त है, ये ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने गाबा में करके दिखाया था टीम इंडिया के लिए। वहीं आपको चौथे नंबर पर खेलते हुए दिखेंगे विराट कोहली, वहीं चौथे नंबर पर आपको खेलते हुए दिखेंगे विराट कोहली द किंग, किंग कोहली। तो ये इनका तो रिकॉर्ड दुनिया के सभी देशों के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, 24 मैच खेल चुके हैं, 42 इनिंग में 1979 रन बना चुके हैं, 21 रन बनाते ही ये 2000 रन कंप्लीट कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और 186 रन इनका हाइएस्ट है, और 8 शतक लगा चुके हैं, 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। तो ये बताता है कि ये कितने बड़े प्लेयर है, बड़े तो है ही, कल एक बड़ी इनिंग की उम्मीद होगी। और ये जो 5 दिन चलने वाला क्रिकेट मैच है उसमें एक बड़ी इनिंग की उम्मीद है इनसे, और ऐसा इनिंग जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भारतीय टीम को जिता दे। और एवरेज जो इनका 48.26 का है, तो ये बताता है कि ये कितने बड़े खिलाड़ी है, और इनकी जो ख्याति है ये अपने ख्याति के अनुरूप ही कल खेलेंगे, उम्मीद है। वहीं 5वें नंबर पर आपको खेलते हुए दिखेंगे अजिंक्य रहाणे, एक बहुत ही अच्छे काबिल खिलाड़ी हैं, बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी है, इन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था, इन्होंने भारतीय टीम को गावा और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का वो सीरीज जिता के दिया था। तो ये बताता है कि ये कितने बड़े खिलाड़ी, इन्होंने 17 मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 1090 रन बनाए हैं, 147 इनका हाइएस्ट है, एवरेज 37.58 का, 2 शतक लगा चुके हैं, 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। ये जो 1 शतक आया था वो गावा, वो ऑस्ट्रेलिया में आया था वो शतक, और उस मैच में कप्तानी कर रहे थे। और एक स्पेशलिटी इनकी ये है, इन्होंने जब जब टीम की कप्तानी की है तब तब मैच नहीं आ रहे हैं। तो कल एक और उम्मीद होगी इनसे एक अच्छी पारी की, वो पारी टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब उठाने में मदद करेगा। और अजिंक्य रहाणे का जो रिकॉर्ड है 17 मैच में 1090 रन, और ये 5वें नंबर पर आपको दिख जाएंगे। वहीं छठे नंबर पर आपको दिख जाएंगे रविंद्र जडेजा, इनका ऑलराउंडर परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है, इन्होंने हालिया प्रदर्शन जो किया है वो लाजवाब है, और इनका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो ऑलराउंड प्रदर्शन को देखे तो 16 मैच में इन्होंने 522 रन बनाए, 81 रन हाइएस्ट है इनका, एवरेज जो 29 का है, इन्होंने 5 अर्धशतक लगाया, वहीं 85 विकेट लिया है, और 42 पे 7 विकेट इनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग है, और 10 विकेट लिया 110 रन देखे जो कि मैच में है, और 1 पर 5 विकेट ले चुके हैं, 1 पर 10 विकेट ले चुके हैं, एवरेज जो है इनका है 18.85 का, आइकनोविक 2.30 का। तो इनका छठे नंबर पर ये आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, और 29 का एवरेज भी बहुत, बैटिंग बहुत ही अच्छे लाजवाब बैटिंग कर लेते हैं। वहीं बात करें 7वें नंबर की, 7वें नंबर पे आपको वहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे के एस भरत का जो परफॉर्मेंस है, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 4 मैच खेले हैं, 101 रन बनाया है, 44 रन इनका एवरेज है, 20.20 का इनका एवरेज है, 7 कैच लपक चुके हैं, 1 स्टंप कर चुके हैं। इनके साथ एक बोनस चीज क्या है, ईशान किशन के ऊपर इनको वरीयता इसलिए दी जा सकती है क्योंकि इन्होंने हालिया जो संपन्न हुआ जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इन्होंने 4 मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो इनका श्योरिटी है, और ये ईशान
ईशान किशन के ऊपर खेल सकते हैं। ईशान किशन को कल मौका नहीं मिल सकता है और केएस भारत आपको विकेट कीपर के तौर पर खेलते हुए नजर आते हैं। वहीं बात करें आठवें नंबर की, तो आठवें नंबर पे आपको रविचंद्रन अश्विन भी खेलते हुए नजर आएंगे और शार्दुल ठाकुर भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। शार्दुल ठाकुर का जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक मैच ही इन्होंने खेला है, तो ये चीज इनके साथ नहीं जा सकती है। एक चीज इनके साथ ये जा सकती है कि ये एक फास्ट बॉलर हैं और इनका जो एक बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो इंडिया चाहेगी कि ये तीन फास्ट बॉलर के साथ उतरे, तो यहाँ पे आपको चार फास्ट बॉलर के साथ उतरे तो वहाँ पे शार्दुल ठाकुर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। अगर इंडिया चाहे कि दो स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाए तो आपको वहाँ पे रविचंद्रन अश्विन के एक्सपीरियंस के साथ वो जाना पसंद करेंगे। तो ये रविचंद्रन अश्विन का जो रिकॉर्ड रहा है 22 मैच 114 विकेट अभी तक ले चुके हैं, 103 रन देकर 7 विकेट इनका बेस्ट इकोनॉमी रहा है, बेस्ट बॉलिंग रहा है। ये मैच में 12 रन विकेट लिया है 298 रन देकर। एवरेज जो है इनका 28.3 चौका है, इकोनॉमी जो है 2.70 का है। 7 बार 5 विकेट लिया है, 1 बार 10 विकेट लिया है और रन भी इन्होंने 543 रन बनाए हैं। 62 हाईएस्ट है, 17.51 का इनका एवरेज है, इन्होंने 2 अशतक लगाए हैं। तो अगर भारतीय टीम चाहेगी कि 2 स्पिनर और 3 स्पेशलिस्ट फास्टर के साथ जाए तो यहाँ पे आपको रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए दिखेंगे। अगर भारतीय टीम ने चाहा कि 4 स्पेशलिस्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ जाए तो वहाँ पे रविचंद्रन अश्विन को हो सकता है बाहर बैठना पड़े, वहाँ पे आपको शार्दुल ठाकुर चौथे फास्ट बॉलर के तौर पे खेलते हुए मिलेंगे। वहीं बात करें नौवें नंबर की, तो नौवें नंबर पे उमेश यादव को खेलते हुए देखेंगे आप, और उमेश यादव का रिकॉर्ड बताता है कि ये डिजर्व भी करते हैं। और वहाँ पे जयदेव उनादकट पे भी बात चलेगा, लेकिन जयदेव उनादकट का अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। उमेश यादव ने 16 मैच खेले हैं, 51 विकेट लिया है, 93 रन देकर 5 विकेट इनका बेस्ट है, 176 पे 7 इनका बेस्ट है एक मैच में। एवरेज जो है 37.58 का है, 4 का इकोनॉमी है, 1 बार 5 विकेट ले चुके हैं और 10 विकेट एक बार भी नहीं लिए, तो आपको वहाँ पे ये नौवें नंबर पे खेलते हुए मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको 10वें नंबर पे स्पेशलिस्ट बॉलर मोहम्मद शमी देखेंगे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 11 मैच खेला, 40 विकेट लिया है, 31.27 का एक एवरेज है, 3.58 का इकोनॉमी है, 56 देखे 6 विकेट इनका बेस्ट है और एक मैच में 36 रन देखे 6 विकेट लिया है, 2 बार 5 विकेट ले चुके हैं, तो ये आपको 10वें नंबर पर दिख जाएंगे। और ये इनके स्ट्राइकर बॉलर के तौर पर ये खेलते हुए दिखेंगे भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद शमी। वहीं ग्यारहवें नंबर की बात करें तो मोहम्मद सिराज आपको 11वें प्लेयर के तौर पर दिखेंगे, तो इन्होंने 6 मैच खेले हैं, 10 इनिंग 14 विकेट लिया है, 73 रन देके 5 विकेट इनका बेस्ट फिगर है और एक मैच में 150 रन देके 6 विकेट है। एवरेज जो है 32.64 का है और 2.188 का इनका इकोनॉमी है, तो ये बेस्ट 11 आपको कल के मैच में खेलते हुए दिखेंगे। ये 11 प्लेयर आपको खेलते हुए दिखेंगे कल से जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है, वहाँ पे आपको ये 11 प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। और आपको कल के मैच से 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक मैच से रिलेटेड हर तरह का अपडेट आपको देता रहूंगा, तो अगर उस अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।